नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। आप सभी का पुनः एक बार फिर लिब्रस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पिछले पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड उसके बेसिक पार्ट को हम लोगों ने देखा था, कैसे दिशा को हम दर्शाते हैं, किस प्रकार दूरी को हम ज्ञात करते हैं, कोण का मापन हम किस प्रकार से करते हैं, कुछ शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे तो शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे हम लोग चेकअप करते हैं। इसी प्रकार मित्रों, बहुत सारे क्वेश्चनों के बेसिक पार्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। अगर आप लोग इस वीडियो से जुड़ते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो जरूर पिछले वीडियो को देखिएगा, और आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए मित्रों, इसी कड़ी में पुनः एक बार मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया हूं। जो भी हम लोगों ने बेसिक पार्ट देखा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आपके एग्जाम में आते हैं और उन प्रश्नों को किस प्रकार से उड़ाना होता है, कैसे पढ़ना होता है और कैसे समझना होता है, इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और उन प्रश्नों को सुलझाने का तौर तरीका हम लोग सीखेंगे। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं। आप सभी के बीच में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ चुका है। बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को, इस क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है, फिर हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस को करना है। जैसा कि मित्रों यहाँ पर कहा गया है कि एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तर माने सर होता है, पश्चिम मतलब बायां हाथ होता है। मतलब इस हाथ को आप सर के करीब ले जाओ, कुछ इस प्रकार से ले जाओ, यानी कि किसी बिंदु से इस प्रकार की हम अगर रेखा खींच देते हैं तो यह जो दिशा हमारी कौन सी हो जाती है, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाता है। अब देखो, उत्तर पश्चिम दिशा में है, मुख करके खड़ा है, वह पहले कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर कहाँ मुड़ता है, दाएं, फिर इसके बाद दाएं, और लास्ट में पुनः एक बार कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो जरा सा इसको हम लोग सुलझा लें और उसके बाद बता देंगे वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो लेफ्ट और राइट को हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या, एक बार राइट बचा। और हमने बताया था कि किसी भी दिशा से दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, सदैव 90 डिग्री एंगल पर मुड़ा जाता है, और किसी सीधी दिशा से 90 डिग्री लेफ्ट या राइट पुनः सीधी दिशा प्राप्त होती है, और किसी तिरछी दिशा से 90 डिग्री लेफ्ट या राइट पुनः तिरछी दिशा प्राप्त होती है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो दिशा है ये कौन सा है, सब डायरेक्शन, तिरछी दिशा है। तो इससे हम जब 90 डिग्री राइट के तरफ मुड़ेंगे तो राइट के तरफ ये कौन सी दिशा जाएगी, कुछ इस प्रकार से दिशा जाएगी। और ये कौन सी आपकी दिशा है, यह दिशा है आपका उत्तर पूर्व दिशा, ये है। तो आपका मित्रों इसमें जो आपका आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इसमें ग्राफ खींचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है नेक्स्ट। दो नंबर क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ चुका है। इस दूसरे नंबर प्रश्न को भी आप लोग एक बार देखिए बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े ही आसानी से यह भी प्रश्न आपका उड़ने वाला है। जैसे कहा कि मीना उत्तर की ओर जा रही है, भाई अगर उत्तर जा रही है तो किसी बिंदु से ऊपर की तरफ जा रही है, और वो कहता है कि 3 बार कहां मुड़ता है, दाएं, यानी कि राइट राइट और राइट, 3 बार दाई ओर मुड़ती है, और फिर कहां मुड़ जाती है, बाई ओर मुड़ जाती है। पूछा जा रहा है अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो फिर राइट एंड लेफ्ट को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए राइट और लेफ्ट आपका कैंसिल हो गया, तो बचा 2 राइट। और हमने बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी दिशा से 2 बार लेफ्ट या 2 बार अगर राइट मुड़ते हैं तो 180 डिग्री एंगल को फॉलो करता है। तो 2 बार राइट मुड़ेगा तो कितना होगा, 180 डिग्री एंगल, यानी कि उस व्यक्ति का मुख कहाँ है, उत्तर। तो जब 180 अंश ये मुड़ेगा तो इसका मुख कहाँ हो जाएगा, नीचे, और नीचे कौन सी दिशा होती है, आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो मित्रों उम्मीद करते होंगे बहुत बेहतर आप समझ पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बड़े ध्यान से देखिए और इसको उड़ाने की जरूरत है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर तीन बहुत ध्यान से इसको देख सकते हैं। जैसे कहा आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो पूर्व हमने बताया था किसी बिंदु से हम दाहिने तरफ अगर जा रहा है तो वो कौन सी दिशा हो गई आपकी, पूर्व दिशा हो गई। फिर वहां से कैसे मुड़ रहा है, उसके बाद दाएं मुड़ते हैं, चलो राइट साइड मुड़ने की बात कर रहा है, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर राइट साइड की बात करता है, करा फिर कहां मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं, यह बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। फिर मित्रों जरा सा देखिए, राइट और लेफ्ट आपका अगर कैंसिल हो जाता है तो बचा केवल क्या, राइट बचा, और आप पूरब की तरफ हो और पूरब के तरफ हो तो राइट साइड कहां होगा, नीचे, यानी कि जो आपका मुख अब किस दिशा की तरफ चला जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख चला जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ध्यान पूर्वक हम लोगों को करना होता है और ऐसे ही करने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम सभी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चार, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार एक बार पढ़ करके आप सभी जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर चार बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, सोचो किसी बिंदु से हम नीचे अगर जाते हैं तो ये कौन सी दिशा हो गई आपकी, ये दक्षिण दिशा हो गई। अपनी दाईं ओर घूमता है, तो सबसे पहले वो किधर घूम रहा है, दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह किधर मुड़ता है, अपनी दाईं ओर घूमता है, और अंत में अपने किधर घूमता है, बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, तो जरा देखो राइट लेफ्ट अगर आप कैंसिल कर देते हो तो उसके बाद उस व्यक्ति का मुख किधर है, राइट, और सॉरी नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो राइट मुड़ोगे तो इस प्रकार से चला जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति का मुख किधर चला जाएगा, पश्चिम दिशा की तरफ उस व्यक्ति का मुख हो जाएगा। और बड़े ही ध्यान पूर्वक देख करके ऐसे प्रश्नों को आप बिना पेन रखे मित्रों उड़ा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम सभी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर पांच। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच को बड़े ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर पांच को देखना है और इसको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर पांच, ए बी के पश्चिम में स्थित है, जरा देखिए ए जो है बी के किधर है, पश्चिम में है। अगर हम बी को यहां बैठाते हैं तो पश्चिम दिशा इसके लेफ्ट साइड में होगा और वहां पर कौन बैठा है, ए। ए बी के पश्चिम में स्थित है। सी के बारे में कह रहा है ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यानी कि ए और बी के बीच में सी, यानी कि यहां पर उत्तर दिशा, उत्तर दिशा सदैव कहां होता है, ऊपर की तरफ होता है, सी ऊपर स्थित है। आगे कह रहा है जो डी है बी के ठीक दक्षिण में है और बी के दक्षिण नीचे की तरफ आता है और यहां पर कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। फिर कह रहा है और बी की लाइन में है, यानी कि जो डी दक्षिण में बैठ रहा है किसकी लाइन में बैठ रहा है, बी की लाइन में बैठ रहा है। पूछा जा रहा है सी की किस दिशा में डी स्थित है। अब जरा सा सोचिए सी के पूछा है किस दिशा में डी स्थित है, तो सी देखिए आपका यहाँ है, सी यहाँ है आपका, और डी के बारे में अगर बात करें ध्यान से देखिए तो आपका ये डायरेक्शन आएगा, और उसके अनुरूप अगर अपने हाथ को निकालिए तो दाहिना हाथ और आपके पैर का प्रयोग हो रहा है, तो दाहिना हाथ और पैर, मतलब दाहिना हाथ होता है कौन सा, पूरब, पैर होता है दक्षिण, यानी कि डी जो है सी के किधर स्थित है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर छह, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बड़े ध्यान से इसको देखिए और इसको उड़ाने की जरूरत है। ये कह रहा है कि पी क्यू के 35 मीटर कहां है, दक्षिण पश्चिम में है। जरा देखिए यहां पर बैठा है क्यू, एक जगह बैठ गया है क्यू, और जो पी की स्थिति बता रहा है किधर, दक्षिण पश्चिम, और आप सभी को पता है दक्षिण कहां होता है, नीचे, और बायां हाथ की तरफ क्या होता है, पश्चिम। तो यानी कि कुछ इस प्रकार से ये जो डायरेक्टर डायरेक्शन आ गया, कौन सा डायरेक्शन है ये, दक्षिण और पश्चिम, यानी कि 35 मीटर की दूरी पर कौन बैठा है, पी बैठा है। चलिए ये तो सोल्यूशन हो गया। फिर कह रहा है अगली लाइन में आर क्यू के 55 मीटर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण मतलब नीचे, पूर्व मतलब दाहिना हाथ, यानी कि इसी दौरान हम लोग कर लेंगे
कि ये 55 मीटर जो दूरी पर बैठा है कौन बैठा है? आर बैठा है। किसके? क्यू के बैठा है। तो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि जो ये आर है ना, पी की किस दिशा में स्थित है? तो जरा सा देखो, ये ऑप्शन दिया है, ये मेन डायरेक्शन के रूप में ऑप्शन दिया है। तो आर की स्थिति पी के किधर है? पूर्व दिशा में है। हम लोग बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे, 100% इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि जो आर है पी के किधर है? पूर्व दिशा की ओर स्थित है। आइए इसके बाद अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। 7 पे देखते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नजर आते हैं और कहीं ना कहीं जो बच्चा नहीं सॉल्व कर पाता है बहुत टाइम लिंगर हो जाता है प्रश्न। बड़े ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति का मुख किधर है? उत्तर दिशा की ओर है, अर्थात ऊपर की तरफ। अब ये कह क्या रहा है की ओर चलना आरंभ करता है, निम्नलिखित में से कौन सी दिशा क्रम में वह पूर्व की ओर आ जाएगा? अब इसको कह रहा है कि इसको हम किस प्रकार से इसको घुमाएं कि वह उसका मुख किधर हो जाए? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा अर्थात कुछ इस प्रकार से उसका डायरेक्शन आ जाए। तो हम लोग डायरेक्ट इसी को चेक कर सकते हैं, इसका जो ऑप्शन दिया है। और एक चीज आपको पता है कि लेफ्ट राइट होता है तो कैंसिल हो जाता है, दो बार लेफ्ट बचता है तो 180 डिग्री एंगल होता है, दो राइट होगा तो भी 180 डिग्री एंगल होगा, चार बार लेफ्ट या चार बार अगर राइट होता है तो भी 360 अंश का कोण बनता है। तो जरा सा देखिए, यहां अगर लेफ्ट और राइट को हम कैंसिल करते हैं पहले ऑप्शन में तो बचता है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब वो पश्चिम दिशा की ओर जाएगा, लेकिन प्रश्न में कौन सी दिशा की बात कर रहा है? ये पूरब दिशा। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा में देखिए, अगर राइट और लेफ्ट हम कट कर देते हैं तो बचता है क्या? एक बार राइट। और उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति है, एक बार अगर राइट हम घुमा देते हैं तो वह कौन सी दिशा में चला जाएगा? पूर्व दिशा में चला जाएगा, जो कि प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न के तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 को बड़े ध्यान पूर्वक आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इसको जवाब दीजिए। लक्ष्मण लक्ष्मण के बारे में बात कर रहा है। लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो चलो, लक्ष्मण अगर 15 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। तो सोचो, किसी बिंदु से जब हम ऊपर चलेंगे तो यह कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर। और कितना चला वो? 15 किलोमीटर। चलिए आगे, नेक्स्ट कह रहा है कि फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और कितना चला? 10 किलोमीटर चला। तो सोचो, हमारा फेस ऊपर उत्तर की ओर है, पश्चिम मतलब बाएं हाथ की तरफ निकलना पड़ेगा, और कितना चला वो? 10 किलोमीटर चला। फिर कह रहा उसके बाद वह दक्षिण को मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। सोचिए, फिर दक्षिण मतलब यहां से मुड़ेगा नीचे। अब ध्यान रखिएगा, ये पूरा 15 है तो 5 इससे कम ही होगा, और दक्षिण की ओर वो 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर चला। तो सोचो, अंत में पूरब की ओर, और पूरब पता है किसी बिंदु से दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे तो कौन सी दिशा आपकी होगी? पूर्व दिशा। और चलेगा 10, यानी कि ऊपर भी 10 है और ये भी 10, क्या हो गया आपका? बराबर हो गया। तो पूछ रहा है, यह बताइए कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है? अपने घर से किस दिशा में है? तो सोचिए, किसकी बात कर रहा है जो व्यक्ति लास्ट में पहुंचा? अब सोचो, वो व्यक्ति पहुंचा कहाँ? वो व्यक्ति पहुंचा कहाँ? वो व्यक्ति आपका यहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट पर। और ये क्या है? उसका घर है। तो घर से हम कहाँ देख रहे हैं उसको? ऊपर की तरफ। अर्थात कौन सी दिशा की हम बात कर रहे हैं? तो आपकी दिशा आपकी हो जाती है ऊपर, उत्तर दिशा की बात कर रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति घर से किस दिशा की तरफ है? उत्तर दिशा की तरफ है। तो बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस बड़े आराम से आप हल कर सकते हैं, बस कंसंट्रेशन आपका भंग नहीं होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन का आप सभी आनंद लेते रहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आप सभी के बीच में आया है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। यह प्रश्न जो है आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके मेंस में भी आने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, यह कहना क्या चाहता है और इसको हम कैसे प्रयोग भी करेंगे इसका। देखिए, कह रहा है कि राय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो चलो, किसी बिंदु से हम पूरब की तरफ चला देते हैं 2 किलोमीटर।
कहता फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है। अब जरा सोचिए, उत्तर पश्चिम का मतलब, उत्तर मतलब सर, पश्चिम मतलब बायां हाथ, कुछ इस प्रकार से जाएगा। यानी कि इस बिंदु से वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और कितना जाता है, वह 3 किलोमीटर दूरी कवर करता है। फिर इसके बाद कहता है, फिर वह दक्षिण दिशा की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। सोचो उस बिंदु से दक्षिण कहाँ होगा, नीचे, और वह दक्षिण दिशा की तरफ आएगा, कितना, 5 किलोमीटर आएगा, और 5 किलोमीटर वह गमन कर लिया। आगे कह रहा है, वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर। अब सोचो किसी बिंदु से बाएं तरफ जाएंगे तभी तो वो पश्चिम दिशा होगी, और वो कितना हो गया आपका, 2 किलोमीटर चला। अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। सोचो यहां से यहां तक की रेखा 5 है, तो 6 वाली इससे क्या होगी, बड़ी, और उत्तर की तरफ गया कितना किलोमीटर, ये चला गया 6 किलोमीटर चला गया। फिर पूछ रहा है, वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। अब मित्रों बड़ी ध्यान से देखिए आप लोग, यानी कि आरंभिक स्थल का इसने प्रयोग किया है, तो आरंभिक स्थल कौन सा है उसका, यही तो प्रारंभिक स्थल है, और वो व्यक्ति कहां पहुंच गया, यहां। अब पूछ रहा है आरंभिक स्थल से कौन सी दिशा में है, तो ये देखिए दिशा, यहां से हम कैसे देख रहे हैं, बाएं हाथ को उठा रहे हैं ऊपर की तरफ, बाएं हाथ पश्चिम और ऊपर होता है उत्तर, यानी कि इसमें आपका कौन सा दिशा हो गया, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ ये बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ा दें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ध्यान से पढ़िए आप सभी। राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाई ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह अपनी दाई ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है, वह फिर अपनी दाई ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है, और फिर वह अपनी बाई ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है। अब राजू का मुंह किस दिशा की ओर होगा, बहुत प्यारा सा सवाल है। देखिए इसमें कह रहा राजू पहले कहाँ जाता है, उत्तर की ओर जाता है, कितना किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर। किसी भी बिंदु से उत्तर जाना है तो आप ऊपर चले जाओ, और ये कितना किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर, यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ध्यान दीजिए। अब वहां कहा कि फिर वह अपनी दाई ओर घुमा और 20 किलोमीटर गया। तो सोचो उत्तर दिशा में व्यक्ति है, दाई तरफ घूमेगा तो पूरब की तरफ जाएगा, और कितना ये चला, 20 किलोमीटर चला। कह रहा फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। उत्तर पूर्व मतलब दाहिना हाथ, उत्तर मतलब सर, यानी कि कुछ इस प्रकार से कंडीशन उठेगा। ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, यही दिशा कौन सी है आपकी, उत्तर पूर्व दिशा है, और ये कितना दूरी कवर किया, 10 किलोमीटर दूरी कवर किया, फिर अपनी दाई ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता। अब यही पर गलती करेंगे आप लोग, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी दिशा की तरफ दाएं या बाएं मुड़ते हैं तो सदैव 90 डिग्री होता है। तिरछे से 90 मुड़ते हैं, या लेफ्ट मुड़ते हैं, राइट मुड़ते हैं तो तिरछा ही आएगा, सीधे से मुड़ते हैं तो सीधा आएगा। लेकिन वो देखिए किधर बात कर रहा है, अपनी दाई ओर घुमा, तो सोचिए वो व्यक्ति इस प्रकार से तो दाया हाथ इधर पड़ेगा, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये बना, और ये कितना चला, 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपनी किधर मुड़ता है, बाई ओर घूमता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फिर वह अपनी बाई ओर घूमेगा तो किस प्रकार से घूमेगा, अपनी बाई ओर घूमेगा तो फिर उसी के अनुरूप कुछ इस प्रकार से घूमा, और कितना चला, ये 20 किलोमीटर चला। कह रहा है अब राजू का मुंह किस दिशा की ओर है, तो सोचिए राजू इसी बिंदु से ऊपर गया है ना, ये देखिए बहुत ध्यान से, इसी बिंदु से ये ऊपर गया है। अब पूछ रहा हूं किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो जरा सा देखिए, दाहिना हाथ ऊपर कर रहे हैं तो इसी के अनुरूप जा रहा है, ऊपर होता है उत्तर, दाहिना हाथ होता है पूर्व, यानी कि उसकी दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व दिशा। अच्छा एक लाइन और है, एक लाइन और है, बाई ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है। एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लिया जाए, एक बार फिर से देख लिया। देखिए राजू उत्तर की ओर सबसे पहले कहां जाता है, किसी बिंदु से कहां जाता है, उत्तर की ओर जाता है, कितना जाता है, 20 किलोमीटर जाता है। फिर वह अपनी दाई ओर घूमता है, दाई ओर घूमता है, और कितना किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर जाता है।
फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ऊपर होता है, ये देखिए 10 किलोमीटर हो गया आपका उत्तर पूर्व की बातें हो। फिर अपनी दाई ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला, ये देखिए दाई ओर घुमा और 20 किलोमीटर ये आपका चला गया, यहां तक हो गया। वह फिर अपनी दाई ओर घूमता है, यही गलती हुआ है, वह फिर अपनी दाई ओर घूमता है, तो अपनी दाई ओर घूमेगा तो कैसे घूमेगा, इस प्रकार से नहीं घूमेगा, तब ये 20 किलोमीटर चला। उसके बाद लास्ट में वो कहाँ घूम रहा है, अपने बाई ओर चल रहा है 20 किलोमीटर, तो बाई ओर जब भी 20 किलोमीटर चलेगा तो कुछ इस प्रकार से चलेगा। अब इसकी दिशा पूछी जा रही है कौन सा होगा, तो सोचो इस बिंदु से वो इस प्रकार से आ रहा है, यानी कि दाहिना हाथ नीचे की तरफ, दाहिना हाथ होता है पूरब और नीचे होता है दक्षिण, यानी कि उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब होगा दक्षिण पूर्व। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार करने का कोशिश करिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर कर रहा है राजीव कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, किसी बिंदु से दक्षिण दिशा कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होता है। फिर कह रहा है वह दो बार कहाँ मुड़ता है, वह दो बार कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, चलो भाई दो बार दाई ओर मुड़ दिया और फिर दाई ओर मुड़ता है, यानी कि तीन बार किधर मुड़ गया, दाई, पूछ रहा अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है। तो सोचो दो बार दाएं का मतलब क्या होता है, 180 अंश, अगर व्यक्ति का मुख दक्षिण है तो जब वह 180 अंश चलेगा, 180 अंश अगर वो चलेगा तो उसका मुख किधर हो जाएगा, ऊपर उत्तर की तरफ हो जाएगा, और फिर वहां से एक बार दाएं जब मुड़ रहा है तो उसका मुख किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा की तरफ हो जाएगा। इसका सही जवाब कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी पूर्व। फिर से समझ लीजिए कि वह दो बार दाएं मुड़ा फिर एक बार दाएं मुड़ा, तो दो बार दाएं का मतलब 180, उसका मुख दक्षिण था तो कहां हो गया, उत्तर, फिर उत्तर मुख करके फिर क्या मुड़ना है, एक बार उसको दाएं मुड़ना है, तो उत्तर से दाएं मुड़ेंगे तो कौन सी दिशा आपकी आएगी, पूरब दिशा आपका आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 को बड़े ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, और बहुत प्यारा सा सवाल है, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाई ओर मुड़ गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देख लीजिए, बहुत प्यारा सा सवाल है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पीटर 8 किलोमीटर जब पश्चिम की ओर चलने के बाद में दाएं मुड़ रहा है, तो पहले उस व्यक्ति को हम कहां दर्शा दें, पश्चिम दिशा की तरफ दर्शाएंगे, पश्चिम दिशा की तरफ, और पश्चिम दिशा सबको पता है कि किसी बिंदु से हम किधर की बात करेंगे, बाएं हाथ की बात करेंगे, बाएं तरफ दाएं कितना, 8 किलोमीटर। चलने के बाद वो कहां मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो उसका दिशा कौन सा हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा, और कितना चला वो, 3 किलोमीटर चला भाई, चलो आगे कह रहा, उसके बाद वह फिर दाई ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, तो जरा सोचो दाई तरफ मुड़ेगा तो उसका मुख हो जाएगा किधर, पूरब की ओर हो जाएगा, और ये 8 है तो 12 इससे थोड़ा सा दूरी पर चला जाएगा, 12। कह रहा है वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था, देखो भाई जहां से चलना आरंभ किया था उसकी बात ये कर रहा है, तो देखो वो व्यक्ति यहीं से तो चलना आरंभ किया था, और वो व्यक्ति लास्ट में पहुंचा कहां, यहां पर, तो इसके बीच की दूरी की बात कर रहा है कि कितनी दूरी पर वो खड़ा है। तो जब भी हम लोग दूरी निकालते हैं तो वहां राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, संपूर्ण त्रिभुज बनाते हैं, और सभी को पता है कि संपूर्ण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, यानी कि यहाँ अगर हम कर्ण का मान निकाल लें, कर्ण का अगर हम मान निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जरा से सोचो ये टोटल यहाँ तक 8 है तो ये भी कितना होगा, 8, बचा कितना, ये हो जाएगा 4, ये 3 है, 3 किलोमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। और कर्ण का मान निकालने के लिए सभी लोग जानते हैं कि कौर्डी में सूत्र होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए जरा सा, ये 3 है 4 है तो हम कह सकते हैं कर्णी में 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 हो गया आपका, कर्णी में कितना, 25, इसका वर्गमूल निकाल देंगे कितना किलोमीटर आएगा, 5 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर समझ रहे होंगे, प्रैक्टिस सेशन का लाभ उठाइए और जितना जल्दी हो सके प्रश्न को उड़ाने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
एक बार 13 को आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत विधिवत तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है? एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, तो चलो किसी बिंदु से हम उत्तर यानी कि ऊपर दौड़ा दे तो ये कितना फीट चला गया? 25 फीट चला गया। फिर वो क्या करता है? दाएं घूमता है और 40 फीट चलता है। यहां से दाहिने मोड़ेंगे तो उस व्यक्ति का मुख किधर हो जाएगा? पूर्व दिशा की तरफ हो जाएगा। और ये कितना चला? 40 फीट चला। फिर कहां मुड़ता है? दाएं घूमता है और 45 फीट चलता है। सोचो किसी की व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा है, दाएं मोड़ेंगे तो आ जाएगा किधर? दक्षिण दिशा की तरफ। और ये कितना चला? 45 फीट वो व्यक्ति चला। आगे बढ़ते हैं। फिर वह बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है। सोचिए किसी व्यक्ति का मुख अगर दक्षिण दिशा की तरफ है, बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? वह पूर्व दिशा की तरफ जाएगा। और वो चला कितना? वह बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है। चलो भाई 20 फीट दौड़ा दिया। अंततः वह अपनी बाईं ओर घूमता है और फिर 20 फीट चलता है। सोचो व्यक्ति का मुख कहाँ है? पूर्व में है। बाएं मुड़ेगा तो उस व्यक्ति का जो सिरा आएगा फिर उत्तर की ओर हो जाएगा। और कितना चला? वो 20 फीट चलता है। अब जो प्रश्न में पूछा गया इसको आप देखने का काम करिए। पूछ रहा है कि वह बच्चा अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। अब सोचिए आरंभिक स्थल से दिशा के बारे में बात कर रहा है, तो उसका आरंभिक स्थल कौन सा है? ये है। अब जरा सा देखिए तो वो व्यक्ति इसी लाइन पर आएगा। कैसे? यहां से यहां 20 दूरी है और ये इसकी 25 है, तो इसकी भी 25 और 25 20 कितना होता है? 45। इसका मतलब ये पता चल रहा है इसके स्ट्रेट लाइन पर ही ये होगा। तो कौन सी दिशा में है? दाहिने तरफ, पूर्व दिशा में है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को बड़े ध्यान से देखिए और उड़ाने की कोशिश करिए। एक बार आप सभी जल्द से जल्द इसका आंसर निकाल लें, फिर पुनः इस प्रश्न का हम जवाब देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। और ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में पूछा क्या है। लास्ट में पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ना तो प्रारंभिक स्थान को हमें टच करना है, ना तो ये पूछ रहा है कि वह व्यक्ति उस स्थान से किसी विद्यालय में प्रवेश किया, इसकी भी बात नहीं किया। डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़े। तो यहाँ हम जो मीटर किलोमीटर लिखा है इसका कोई मतलब नहीं होता। देखिए सीधे सीधे किरण कहाँ जा रही है? उत्तर दिशा। हम उस व्यक्ति को कहाँ भेज दिए? उत्तर दिशा की ओर भेज दिए। सोचो उत्तर दिशा जाने के बाद वह कहाँ मुड़ रहा है? पहले लेफ्ट मुड़ रहा है, 25 मीटर जा रहा है। दोबारा कहाँ मुड़ रहा है? लेफ्ट मुड़ रहा है, 40 मीटर जा रहा है। और लास्ट में क्या मुड़ रहा है? राइट मुड़ रहा है। अब पूछ रहा वह किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो देखो लेफ्ट राइट आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? लेफ्ट, यानी कि उस व्यक्ति का मुख जो उत्तर दिशा की तरफ है, एक बार लेफ्ट मोड़ेंगे तो वो कौन सी दिशा की तरफ चला जाएगा? पश्चिम दिशा की तरफ चला जाएगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा। आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा सा सवाल। एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, यह 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर दाएं घूमता है। सोचो एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, उसके पिता गुम हो गए, तो उसकी जिम्मेदारी है पिता को ढूंढना। और वो ढूंढने किधर निकलता है? सबसे पहले 90 मीटर पूर्व को जाकर दाएं घूमता है। किसी बिंदु से सोचो वो 90 मीटर जाता है किधर? पूर्व दिशा की तरफ जाता है। और कहां घूम जाता है? दाएं घूम जाता है। लो दाएं घूमते हैं, फिर कह रहा कितना मीटर चलकर? 20 मीटर। यानी कि दाएं घुमा और कितना चला? वो 20 मीटर चला। फिर कहां मुड़ता है? दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता है। अब यहां से सोचो दाएं घूमेगा तो कुछ इस तरफ आएगा और ये कितना मीटर चला? 20 मीटर चला। और अपने चाचा के घर, ये देखिए पिता ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा। इसको जरा सा आप सभी को इस प्रश्न को देखना है। और अपने चाचा के घर पहुंचा, कितना चला? 30 मीटर चला। ये 20 नहीं है मित्रों, कितना हो गया? 30। चाचा के घर वो पहुंच गया, यही उसका पॉइंट है। मैं लिख दे रहा हूं चाचा का घर है। ये क्या है? चाचा का घर है। फिर उसके बाद ये जो बातें कर रहा है वहां से, उसके पिता वहां नहीं मिले, यहां से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में गया। अब यहां से सीधे 100 मीटर दूर कहां चला गया? उत्तर दिशा की तरफ ये चला गया। अब वहां जाने के बाद क्या कर रहा है?
उसे अपने पिता को एक गली में मिले। यहां पर उसके पिता किसी न किसी गली में मिल गए। अब पूछा जा रहा है प्रश्न में, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसके पिता मिले। अब सोचो आरंभिक स्थान की बात कर रहा है, तो आरंभिक स्थान की बात करें तो उसका तो आरंभिक स्थान यही है, और उसके पिता कहां मिले हैं, यहां मिले हैं, और इसकी ये बातें कर रहा है। तो किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लोग उड़ाएंगे, जरा सा गौर करके आप सभी बताएंगे किस प्रकार से। तो ये 20 है, तो ये भी 20 है, तो ऊपर का ये जो सिरा है वो कितना हो गया आपका, 80 हो गया, और आपका टोटल ये 90 है, ये 90 है, 90 में 30 निकल गया तो ये कितना बचा, 60। तो कर्ण का मान आप निकाल सकते हो कि कर्णी में 80 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग, और 80 का वर्ग कितना होता है, 8 8 64 100, अब प्लस 6 6 36 100। अब इसको आप लोग अगर जोड़ लेते हो, इसको आप लोग अगर इसको आप लोग जोड़ लेते हो, अगर इसको कौड़ी के अंदर अगर आप लोग जोड़ लेते हो 6400 प्लस 3600, तो आप लोग देखिए कितना हो गया, ये 0 0 6 4 10 6 3 9 1 10, यानी कि 10,000 हो गया। और 10,000 जब बाहर आपका आएगा तो कितना मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है कि वो अपने पापा को प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर ढूंढा, 100 मीटर पर वो ढूंढा, और इसका सही जवाब बता दिया 100 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत शानदार सा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न को भी आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में है। बेसिक पार्ट में हमने पढ़ाया था पश्चिमोत्तर का क्या मतलब होता है, पूर्वोत्तर का क्या मतलब होता है। पश्चिमोत्तर का मतलब होता है कि पश्चिम और उत्तर के बीच, यानी कि बायां हाथ को सर की तरफ ऐसे उठा दिया। पूर्वोत्तर का मतलब होता है पूर्व और उत्तर के बीच, अर्थात दाहिने हाथ को हम इस तरीके से उठा सकते हैं। यहां कहा कि बाबू रहीम का पड़ोसी है, यानी कि अब जरा सा सोचो इस स्थान पर कौन बैठा हुआ है, रहीम बैठे हुए हैं, और इनका पड़ोसी कौन है, बाबू है। उसका मकान है कहां, पश्चिमोत्तर दिशा में, कितना मीटर पर है, 200 मीटर की दूरी पर है। तो जरा सा सोचो पश्चिमोत्तर दिशा आपकी यही होगी, पश्चिमोत्तर को ही कहा जाता है उत्तर और पश्चिम दिशा। यहां कौन बैठ गया, ये बाबू का मकान है, बाबू उनका पड़ोसी हो गया, और कितने मीटर पर है, 200 मीटर की ये बातें करता है। फिर इसके बाद कह रहा है जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, यानी कि रहीम का पड़ोसी अब कौन आ गया, जोसेफ, और उसका मकान किधर है, दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी है। दक्षिण पश्चिम का मतलब पैर का प्रयोग करेंगे और दाहिने बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे, कुछ नीचे इस प्रकार से। अब यहां से वो 200 मीटर आता है और किसका घर हो जाता है आपका, जोसेफ का घर हो जाता है। क्लियर है, जोसेफ का घर हो जाता है और 200 मीटर की दूरी तय करता है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो दक्षिण पूर्व का मतलब होता है क्या, दाहिने हाथ को नीचे की तरफ अगर हम ले जाते हैं, तो जरा सा सोचिए दाहिने हाथ को नीचे की तरफ ले जाएंगे, ये 200 मीटर जा करके, और ये किसका मकान आपका हो गया, ये मकान हो गया गोपाल जी का मकान। क्लियर है। अब गोपाल जी का पड़ोसी कौन है, गोपाल जी का पड़ोसी है राय, राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। तो पूर्वोत्तर का मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में, हम कुछ इस प्रकार से चलेंगे, 200 मीटर चलेंगे, और ये किसका मकान है आपका, राय का मकान ये आपका हो गया। तो पूछा जाता है कि राय का जो मकान है बाबू के मकान से किस दिशा की ओर स्थित है। तो जरा सा सोचो ये राय का मकान है, ये राय का मकान यहाँ है और बाबू का मकान यहाँ है। अब इससे दिशा की बात कर रहा है कि कौन सा दिशा होगा, उसके अनुरूप अगर हाथ निकालते हैं तो दाहिने हाथ को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे और नीचे होता है दक्षिण, दाहिना हाथ होता है पूर्व, अर्थात इनकी दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा आपकी हो गई। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दक्षिण पूर्व दिशा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के प्रश्न आप सभी के बीच में आ रहे हैं, बस देख करके उड़ाने की जरूरत है।
ये बहुत प्यारा सा सवाल, ये बहुत ही प्यारा सा सवाल, इसको ध्यान से देखेंगे प्रश्न लगेगा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे कह रहा के का के स्थान राजधानी पी के उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी कि ये एक राजधानी है जिसका नाम है पी और इससे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब ऊपर और बाएं हाथ का हम प्रयोग करेंगे, और यहां पर बसा है कौन सा शहर के, कितने किलोमीटर की दूरी पर बसा है भाई, 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा, चलो हो गया। आर एक अन्य स्थान के किस, अब आर का स्थान किससे रिलेट कर रहा है, के से, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा का मतलब नीचे आएंगे और बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में आएंगे, दूरी समान है तो उसी के बराबर में जाएगा और यहां पर पहुंच गया 2 किलोमीटर, किसके घर पहुंच गया, ये आर के घर ये पहुंच गया। फिर कह रहा है एम एक अन्य स्थान आर से, अब यानी कि अब आर से रिलेट कर रहा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना जाएंगे 2 किलोमीटर जाएंगे और किसके घर हम लोग पहुंच जाएंगे, एम के घर हम लोग पहुंच जाएंगे, 2 किलोमीटर दूरी वो भी तय किया। टी एक अन्य स्थान एम से, अब यानी कि एम से रिलेट कर रहा है किसके लिए, टी के लिए, किधर, दक्षिण पश्चिम, और सभी को पता है दक्षिण पश्चिम कुछ इस प्रकार से आएगा और ये चला 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल के किसके घर पहुंच गया, ये टी के घर पहुंच गया। तो पूछ रहा है टी का स्थान पी से किस दिशा में स्थित है, बहुत ध्यान से देखिए, टी का स्थान पी से पूछा है किस दिशा में स्थित है, तो सोचो पी आपका यहां है और ये सभी दूरियां समान है 2-2 किलोमीटर, तो हमको लगता है ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन पे ही आएगा, तो कैसे आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर आएगा, और देख पा रहे हैं पी की तुलना में जो टी का स्थान है कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, आप देख सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए मित्रों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे और इसका सलूशन बहुत शानदार है, बहुत आराम से इसका निकाल सकते हैं। कह रहा है जया अपने पुत्र राकेश के साथ अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चली, यानी कि ये जया है और ये जया का घर है अपने पुत्र राकेश के साथ वो किधर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर चली, सिग्नल स्थल यानी कि चौराहे से पहले ही राकेश की स्कूल की बस उसे दाईं ओर ले गई, सिग्नल स्थल, जरा सा हम सोचते हैं कि मान लीजिए ये सिग्नल प्लेस है, ये सिग्नल प्लेस है और यहां से क्या हुआ, ये चौराहे से पहले ही है और दाहिनी तरफ उसके बच्चे की बस आई वो निकल गई, यानी उससे कोई मतलब हमारा नहीं है। आगे कह रहा है सीधे उसी लाइन में चलती रहती है, कौन कौन चलती रहती है, जया सीधे उसी लाइन में आगे बढ़ गई, स्कूटर में पेट्रोल डलवाया, यहां पर क्या है उसका पेट्रोल पंप है, यहां पर उसका पेट्रोल पंप है और उसने क्या डलवाया, पेट्रोल डलवाया। आगे कह रहा फिर वह बाई और मुड़ी और एक सुपर मार्केट में गई, तो यहां से वह लेफ्ट साइड मुड़ेगी और ये एरिया किसका है, सुपर मार्केट का एरिया ये है, सुपर मार्केट में गई, तो पूछ रहा सुपर मार्केट पेट्रोल पंप से किस दिशा में है, जरा सा देखिए सुपरमार्केट ये जो है पेट्रोल पंप से किस दिशा में है, आप देख सकते हो इससे बाएं आ रहा है अर्थात पश्चिम दिशा की तरफ जो है सुपरमार्केट है, कहां से, पेट्रोल पंप से पश्चिम दिशा में सुपरमार्केट स्थित है। आइए इसके बाद एक बहुत शानदार सा प्रश्न, अगला प्रश्न आपके बीच में आने वाला है और इसका जवाब जल्द से जल्द आप सभी को देना है, जल्दी से एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए आप सभी, इसका जवाब तुरंत का तुरंत आपको देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है, तो दक्षिण पश्चिम आप सभी को पता है कि दक्षिण पश्चिम दिशा हमेशा बाया हाथ और पैर का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी बिंदु से अगर दक्षिण पश्चिम दिशा की हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से चलना होगा और ये कितनी दूरी चला, 8 किलोमीटर साइकिल से गमन किया उसने। फिर कह रहा है पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि यहां से पूरब मुड़ेगा तो डायरेक्ट वो सीधा चला जाएगा और कितना दूरी तय किया उसने, 20 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया।
वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर, तो पहले उत्तर पूर्व की अगर हम लोग बात करते हैं, उत्तर पूर्व को ही पूर्वोत्तर कहा जाता, उत्तर और पी के बीच, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होती है, तो कुछ इस प्रकार से वो गया होगा उत्तर पूर्व में। स्पष्ट देख लीजिए, वहां से उत्तर पूर्व में कितना गया, वह 8 मीटर चला गया। फिर कह रहा है वहां जाने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 मीटर जाता है, तो सोचो यहां से पश्चिम मुड़ेगा, डायरेक्ट मुड़ेगा और कितना मीटर चला गया, 6 मीटर जाए। कह वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर जाता है, सोचो वहां 6 मीटर जाने उत्तर पूर्व फिर वो जाएगा और ये कितना मीटर वो चला, फिर से वो 2 मीटर चला। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, अब यानी कि यहां से फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ेगा और कितना मीटर चला गया, वो 4 मीटर चलता है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब कहां हो गया आपका, फिर से नीचे इसी लाइन के बराबर आ गया और 2 मीटर वो चला। प्रश्न में पूछा गया है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार सा प्रश्न है। प्रारंभिक स्थान से दूरी, और प्रारंभिक स्थान से ये है और वो व्यक्ति यहां है, यही दूरी पूछा जा रहा है कितना होगा, यानी कि इतनी दूरी अगर हम कट करते हैं इधर की तो बचा कितना, तो जरा सोचो। अब यहाँ पर टोटल ये 20 है तो यहाँ भी 20 होगा। अब ये इतना दूरी कितना चला, ये भाई 6 चला, इसके बीच में कितना चला, 4, यानी कि 6 4 10 निकल गया किसमें, 20 में से, इसकी दूरी कितनी हो गई आपकी 10 मीटर, यानी कि वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थल से 10 मीटर की दूरी पर है। चलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बेहतर समझ गए होंगे, ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल जो बच्चे इस बार मेंस दे रहे हैं ऐसे प्रश्न को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न से ही आपको खेलने की आवश्यकता है और ऐसा ही प्रश्न जो है 4 चांद लगाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को भी उड़ाने की आवश्यकता है, जल्दी से, और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद मैं मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 को उड़ाने की जरूरत है। ए और बी से रिलेटेड बातें हो रही है। ए और बी एक सीधी सीची नहीं है, यह सीधी रेखा की बात हो रहा है, एक सीधी पूरब पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं, यानी कि किसी बिंदु से एक दूसरे बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, और वो खड़ा कौन है, ए और बी। अब ये पता नहीं कि ए इधर जाएगा कि बी उधर जाएगा। आगे कह रहा है ए और बी एक साथ क्रमशः पूरब और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ए और बी एक साथ, ए पूरब से और दोबारा कहा बी किधर से, पश्चिम से, यानी इस बिंदु पर ए खड़ा हो गया और इस बिंदु पर कौन खड़ा हो गया, बी खड़ा हो गया। चलिए पूरब और पश्चिम चलते, दोनों कितना जाते हैं भाई, 5 किलोमीटर जाते हैं। अब जरा सा सोचो, दोनों 5 किलोमीटर जाते हैं तो ए इस बिंदु से 5 किलोमीटर पूरब गया होगा और बी इस बिंदु से भी 5 किलोमीटर कहाँ गया होगा, अपने पश्चिम की ओर गया होगा। आगे क्या कह रहा है, फिर ए अपनी बाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। ए बाई ओर जब मुड़ेगा तो 10 किलोमीटर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। उसी गति से बी अपनी दाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, तो बी दाएं मुड़ेगा तो ये भी ऊपर जाएगा, कितना चला गया, 10 किलोमीटर चला गया। फिर दोनों अपनी बाई ओर मुड़कर उसी गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब देखो वहां से दोनों बाई ओर मुड़ेंगे तो ए अगर बाई ओर मुड़ेगा तो इधर आएगा, ये 5 किलोमीटर चला, और बी जब जाएगा तो वो कितना चला, ये भी 5 किलोमीटर चला, क्योंकि दोनों के चलने की जो दशा है वह 5 किलोमीटर की दिशा है। अब सोचो यहां पर कौन बैठ गया, ए, और यहां पर कौन पहुंच गया, बी। पूछ रहा है उन दोनों के बीच कितनी दूरी है, तो जरा सा सोचिए उन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो यानी कि बी यहां पर है और ए यहां पर है, तो जरा सा सोचो यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये जरा सोचो, पांच, ये 5 तो खत्म हो गया, लेकिन इस बिंदु तक, यहां तक एक बिंदु बना ले, कितनी दूरी, तो यहां से यहां आपका हो गया 20 और यहां से यहां आपका हो गया 5 और यहां से यहां आपका कितना हो गया, 5, टोटल कितनी दूरी है भैया, टोटल 30 किलोमीटर की दूरी पर ए और बी खड़े हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी बने रहे,
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में आपसे, कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।